जय हिंद योद्धाज, दिस इज़ विपुल सर फ्रॉम यशोतेज एकेडमी। आज आपका हिस्ट्री का लेक्चर होने वाला है एंशंट हिस्ट्री के ऊपर। ये आपका लास्ट लेक्चर रहेगा, उसके बाद में और एक हिस्ट्री का लेक्चर होगा जिसमें कि आपका सिर्फ और सिर्फ MCQs रिवाइज करवाए जाएंगे, ठीक है। ये उसके बाद का जो रहेगा वो रिविजन वाला लेक्चर रहेगा, ठीक है। दिस इज़ योर लास्ट लेक्चर ऑफ हिस्ट्री। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट आपका मॉडर्न इंडिया जो वास्ट है, जो कि आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी कवरअप कर लिया। हमने मेडिवल इंडिया भी कवरअप कर लिया। दिस इज टाइम फॉर एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें से हमने सब पढ़ा गया बिल्कुल नहीं, और पढ़ना भी नहीं है। कोई बोलता है जस्ट टेल देम कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो चलिए एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग, चलो एंशिएंट बात ही आ गई तो एंशिएंट में अभी यू नो वेरी वेल देर इज़ अ ईयर सिस्टम, मतलब जो साल जिसको कहता है ईयर सिस्टम, ठीक है। वी आर लिविंग इन एडी, मतलब कि एनो डोमिनी, एंड हम जो एंशिएंट हिस्ट्री है, जो पुराने टाइम की हिस्ट्री थी, वो रहता था बिफोर क्राइस्ट में, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए बीसी, बिफोर क्राइस्ट, मतलब एक डेट लाइन। आप समझ लो इट इज सेम लाइक अ नंबर लाइन। अभी कैसे होता है हमारा, पहले आता है, अभी देखो पिछले साल क्या था 2021, एंड इस साल है 2022, मतलब एक बढ़ता है ना नंबर। बट पिछले टाइम पे एंशियंट टाइम में क्या होता था, पहले होता था 2022, सपोज आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल, आप रिलेट मत कर लेना, ठीक है। पहले होता था 2022, एंड देन आता था 2021, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट इट, ठीक है। तो वो ऐसा रहता था, ये बात आप माइंड में क्लियर कर लो। सबसे पहली छोटी सी बात है, इट इज़ नथिंग लाइक कि आप सिर्फ नंबर लाइन याद कर लो। जीरो के पहले आता है -1, एंड जीरो के बाद में आता है 1, 1 के यहाँ पे आता है एक बढ़ता है, एंड यहाँ पे -2 होता है, मतलब ऐसी सेम चीज़ वहाँ पे भी अप्लाई होती है। तो ये होगी स्टेट जो भी आपका एंशियंट हिस्ट्री का टाइम लाइन के रिगार्डिंग कंसर्न जो रहेगा आपको किसी को, तो वो क्लियर कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर का पहला टॉपिक, सिविलाइजेशन, मतलब कि एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। सर तो व्हाट डज इट मीन इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से ही पता चल जाता है, इंडिया में एक बहुत बड़ी रिवर फ्लो करती है, उसका नाम है इंडस। तो उस इंडस रिवर के ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस देयर वॉज सोसाइटी, सिविलाइज सोसाइटी। व्हाट डज इट मीन सिविलाइजेशन? जैसा हमने देखा होगा, जिस स्ट्रक्चर में, जिस पोर्टफोलियोज में हम लोग रहते हैं, जिस जो भी चीज़ें हम फॉलो करते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। तो वैसे ही चीज़ें पहले होती थी इंडिया में, ठीक है। तो उसका ड्यूरेशन था 2800 BC टू 1500 BC, ठीक है। दैट आई ऑलरेडी मैंशनड यू, यहाँ पे चीज़ें कम होती है। बिफोर क्राइस्ट में जो नंबर्स होते हैं वो उल्टी गिनती में होते हैं, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर कर लो, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंडस रिवर के जो बैंक्स पे जो सिविलाइजेशन थे ना, तो उनके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक्चुअली इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस इन द प्रोविंस ऑफ सिंध एंड पंजाब। मतलब कि उस टाइम पे आज का इंडिया और उस टाइम का इंडिया बहुत अलग था, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान और इंडिया दे वर द सिंगल नेशन, ठीक है, दे वॉज अ सिंगल नेशन, बट नाउ देर आर टू नेशंस। तो बेसिकली एंशियंट सिविलाइजेशन का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसका 90% जो पार्ट है वो आपका फिलहाल पाकिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर कर लो माइंड में आपकी, 90% जो है वो पाकिस्तान में पाया जाता है। तो प्रोविंस है हमारे सिंध प्रोविंस एंड पंजाब प्रोविंस में ये सिविलाइजेशन बसी हुई थी मेजर एरियाज में, ठीक है। तो ये सिविलाइजेशन मतलब ऐसी थी जिसमें अलग अलग नाम उसका इंडस था, क्योंकि इंडस रिवर के तट पे बैठी हुई थी, मतलब छोटी छोटी जगहों पे थी। जैसे अभी है ना महाराष्ट्र, अगर मैं कह दूँ तो महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो वैसे इंडस एक बड़ा सा एरिया था, तो उसमें ऐसे छोटी छोटी सिविलाइजेशन थी। तो उसमें से सबसे पहली एक सिविलाइजेशन खोजी गई, उसका नाम है हड़प्पा। सबने पढ़ा होगा, सबने सुना भी होगा। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट ऑफ इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद में मोहनजोदारो, एक मूवी भी है इसको इसके ऊपर, ठीक है। ये मोहनजोदारो है, इट वाज द लार्जेस्ट साइट अमंग IVC, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की काफ़ी सारी साइट्स है, उसमें से मोहनजोदारो जो है ये लार्जेस्ट साइट है। उसमें क्या होता था, देखो आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये उस टाइम की जो भी सिटी होती थी, सिटी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रॉपर सिटी स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज, आपने आंख बंद करके वहाँ पे टिक लगा देनी है हड़प्पा। उसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि विच इज़ द लार्जेस्ट साइट अमंग द IVC, तो वहाँ पे आपने कर देना है मोहनजोदारो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या था, जब आपको सबको पता होगा ये साइट्स डिस्कवर करने का काम एक बॉडी करती है, हमारी बॉडी मतलब एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका नाम होता है ASI, ठीक है,
तो ये ASI जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये उसको खोजने का काम करती है, उसको उत्खनन करने का, एक्सकेवेशन का काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहली साइट जो थी, जैसे मैंने कहा आपको, हरप्पन साइट, वो एक्सकेविट की गई अंडर द गाइडेंस ऑफ दयाराम साहनी, ठीक है। उस टाइम पे वहाँ पे सबसे बड़ी बड़ी, मतलब कौन सी ऐसी फाइंडिंग्स रही, कौन सी चीज़ें वहाँ पे मिली, तो उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है सिक्स ग्रेनरीज। मतलब क्या होता था, अभी आपको सबको पता होगा, हर हर इंसान के घर पे होता है एक स्टोरेज के लिए एरिया, ठीक है। तो हम लोग अगर खेती वगैरह करते होंगे, आप लोग मोस्ट ऑफ, आपको सबको पता होगा कि खेती वगैरह करते हैं तो धान स्टोर करने के लिए एक बड़ा सा एक स्टोरेज एरिया होता है। तो उसी टाइम पे उन्होंने ग्रेनरी का स्टोरेज एरिया बनवाया था हड़प्पा में। दैट वाज द मेजर फाइंडिंग ऑफ हड़प्पन साइट, ठीक है। उसके बाद में मोहनजोदड़ो साइट, ये मोहनजोदड़ो है, ये डिस्कवर किया गया RD बैनर्जी के द्वारा। उस टाइम पे वहाँ पे पशुपति जो गॉड है, गॉड पशुपति, उनका सिल, मतलब उनका एक मूर्ति पाया गया। उसके बाद में ग्रेट बाथ, मतलब जो कि आपके मॉडर्न स्विमिंग पूल्स उस टाइम पे भी रहते थे, ठीक है। एंड डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल मतलब उसको एक वहाँ पे स्टैचू था, स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल। नहीं तो आप बोलोगे सर डांसिंग गर्ल कैसे मिल सकती, नहीं, ठीक है, थिंक इट वाइजली। तो ये डांसिंग गर्ल का स्टैचू था, ठीक है। उसके बाद में, तो ये देखो आपको कैसा, आई नो इट इज़ लाइक कि आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट है साइट, उसके बाद में उसको एक्सकेवेट किसने किया एंड उसमें क्या क्या मिला, ठीक है। तो उसके बाद में थर्ड साइट है हमारी लोथल। एक्चुअली लोथल साइट जो है ना, ये लोथल साइट एक जो होता है ना पोर्ट, पोर्ट के किनारे पे बैठी हुई थी, ऑन द बैंक्स ऑफ गुजरात, ठीक है। गुजरात के वहाँ पे वो साइट मिली, ये डिस्कवर करवाई गई SR राव के गाइडेंस के अंडर। एंड वहाँ पे मिला हमें डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मतलब सबको पता होगा, जहाँ पे शिप्स वगैरह पार्क की जाती है। तो ये जो था, ये ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता था लोथल, ठीक है। उसके बाद में ढोलावीरा, ढोलावीरा भी JP जोशी के द्वारा एक्सकैवेट किया गया। एंड उस टाइम पे जायंट्स रिजर्वियर्स मिले वहाँ पे। उसके बाद में बनावली, ठीक है, बनावली RS 20 के द्वारा खोजी गई। उसके बाद में उसमें फाइंडिंग्स क्या क्या मिली, टेराकोटा प्लग, मतलब प्लाऊ, प्लाऊ पता है ना सबको प्लाऊ, तो वो टेराकोटा प्लाऊ एक टाइप होती है, वो मिला वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में मदर गॉडेस, ठीक है, मदर गॉडेस की एक मूर्ति वहाँ पे मिली। दीज आर द दिस चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप सेम टू सेम चार्ट बना लो अपनी नोटबुक में एंड वहाँ पे लिख लो, जस्ट रिवाइज करो। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपको रटना है, जस्ट एक काम करना है अपने, सीधी सी बात है, बुक उठाओ, उसको सिर्फ पढ़ते जाओ डेली, हर हर बेसिस पे, हर दिन उसको पढ़ते जाओ। एंड अब जब आपको एग्ज़ाम में आएगा, तो एग्ज़ाम में आपको अपने आप टिक करके आओगे वहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट आइडिया टू रीड हिस्ट्री एंड ऑल द GK, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक वेदास। सबको पता होगा यार कि इंडिया इज अ हिंदू मेजोरिटी कंट्री, एंड वहाँ पे पहले मतलब हिंदू राजा राज करते थे, एंड बिफोर दैट देर वॉज अ आर्यंस, ठीक है। तो आर्यंस ने वेदास की खोज की। तो आर्यंस जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए हुए थे इंडिया में जब, ठीक है। तो वेदास, वेदास की शुरुआत कहाँ से हुई, चलो पढ़ते हैं, थोड़ी सी आइडिया है। तो क्या हुआ, ये जो मैंने पीछे आपको कहा सिविलाइजेशंस, सिविलाइजेशंस खत्म हो गई जस्ट बिकॉज देर आर मेनी रीजंस। कोई कहता है सर वहाँ पे पैंडेमिक आ गया, उसके बाद में कोई कहता है वहाँ पे फ्लड्स आ गए, कोई कहता है वहाँ पे नेचुरल कैलमिटीज आ गई, रीजन माइट बी एनीथिंग, रीजन अब तक कोई कुछ क्लैरिफाई नहीं हुआ है। जब वो सिविलाइजेशन वहाँ पे खत्म हो गई, तो उसके बाद में वो एरिया जो था वहाँ पे कोई नहीं था, पूरा इनहैबिटेड एरिया था। तो उस एरिया में आए सेंट्रल एशिया से, मतलब ग्रीक से हमारा काफ़ी ज़्यादा नाता जुलता है, तो सेंट्रल एशिया से कुछ लोग आए, उनको ही कहा जाता है आर्यंस, ठीक है, आर्यंस, देवर द आर्यंस। तो आर्यंस ने कुछ धार्मिक टेक्स्ट बनवाए, ठीक है, जो धार्मिक टेक्स्ट बनवाए, तो उसमें से सबसे सैक्रेड, सैक्रेड मतलब सबसे कुछ जो धार्मिक रिलीजियस सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो है वो है वेदास, एंड उसकी पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, एवरी वन ऑफ यू शुड नो इट, ठीक है। तो वेदास में चार वेदास आते हैं। सबसे पहला आता है आपका अथर्ववेदा, ठीक है, अथर्ववेदा। उसके बाद में आता है आपका ऋग्वेदा, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका सामवेदा। उसके बाद में आता है आपका यजुर्वेदा, ठीक है। आप कहोगे सर आयुर्वेदा क्यों नहीं, भाई साहब आयुर्वेदा भी है, बट दीज आर द फोर, ठीक है, ये फोर जो है वो मेजर है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ऋग्वेदा। ये जो ऋग्वेदा है ना, इट्स अ बॉस ऑफ ऑल वेदास, ऋग्वेदा इज द बॉस ऑफ ऑल वेदास, इट इज द ओल्डेस्ट वेदा अमंग ऑल, जो चारों वेदास में से ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट, ठीक है। उसके बाद में उसको 10 मंडलास में डिवाइड किया गया। मंडलास मतलब कैसे, अगर आपके पास कोई बुक है
बुक में आपके चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के अंदर आपके टॉपिक होते हैं, वैसे ही ऋग्वेदा एक बुक है, बुक के अंदर का जो चैप्टर्स होते हैं ना, चैप्टर्स को कहते हैं मंडलास, ठीक है। तो उसमें 10 मंडलास है एंड उसमें टोटल 1028 हाइम्स है, हाइम्स सबको पता होगा, ठीक है। इट हैज़ टोटल 1028 हाइम्स, ठीक है। उसके बाद में ऋग्वेदा इज़ द बॉस ऑफ ऑल वेदास, ठीक है, तो ये चीज़ आप दिमाग में रख लो। उसके बाद में अथर्ववेदा, अथर्ववेदा को ब्रह्मवेदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ब्रह्मवेदा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इसमें देखो आपको एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या क्या रखना है उस वेदा में, क्या क्या दिया हुआ है वही चीज़ आप ध्यान में रख लो, ठीक है। उसमें क्या मेंशन किया है, मेंशंस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नॉन आर्यंस एंड कंटेन्स मैजिकल मंत्रास, जो भी मैजिक वैजिक की सारी चीज़ें होती है ना, मैजिकल मंत्रास वगैरह, ये सारे अथर्ववेदा में इसके ट्रेसेस मिलते हैं, ठीक है। एक्चुअली अगर कहा जाए तो इंडियंस वर वेरी वेरी टैलेंटेड, अगर ये आप आपकी टाइम में जो आपकी मॉडर्न इन्वेंशंस हुई है वो ऑलरेडी हमारे ऋषि मुनियों ने ऑलरेडी करके रखी हुई थी, दीज आर द जस्ट मॉडर्न फॉर्मेशंस, बट दे ऑलरेडी टोल्ड अस कि वी हैव डिस्कवर्ड दिस एंड दैट थिंग्स, बट एट दैट टाइम नन ऑफ अस वॉज रेडी टू एक्सेप्ट इट, बट आफ्टर जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, तो हम लोगों ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट द इंडिया, ठीक है। अभी देखो उसके बाद में आता है सामवेदा, सामवेदा से आप एक चीज़ दिमाग में रख सकते हो, इट इज़ द वर्ड साम मीन्स मेलोडी म्यूजिक, इट्स कंटेंस म्यूजिक एंड मेलोडी, सीधी सी बात है, साम मतलब सॉन्ग, आप सिर्फ इतना ध्यान में रख लो, सामवेदा में सारे सॉन्ग्स म्यूजिक्स मेलोडी सारी सामवेदा में आपको मिलेगी। उसके बाद में आता है आपका यजुर्वेदा, यजुर्वेदा जो है ये थोड़ा रिचुअलिस्टिक वेदा है, इसमें ऑल रिचुअल्स है, मतलब जो धार्मिक रिचुअल्स होते हैं ना, ये सारे आपके ट्रेसेस मिलेंगे आपके यजुर्वेदा में। दिस इज द ऑल अबाउट वेदास, कुछ नहीं है, आपको अगर पढ़ा जाए तो काफ़ी सारा है, बट उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट है ना तो यही है, ठीक है, वेदा उसका नाम एंड उसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते सबको पता होगा, ये सत्यमेव जयते जो है ये भी हमने वैदिक टेक्स्ट से लिया हुआ है, इस टेक्स्ट का नाम था मुंडका उपनिषद, ठीक है, इस मुंडका उपनिषद से हमने सत्यमेव जयते लिया हुआ है, ये चीज़ आप रख लो दिमाग में, आपको शायद क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है, चांसेस काफ़ी हायर है, ठीक है, इस पे पूछे जाने के, तो ये बात आप दिमाग में रख लो, इज ऑल अबाउट द वेदास। तो चलिए आगे बढ़ते बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते, ठीक है, तो बुद्धिज्म को स्थापित किया गया बाय द सिद्धार्थ गौतम, ठीक है, उनकी बर्थ प्लेस है लुम्बिनी, इनकी स्टोरी आपको सबको पता होगी, इसमें देखो हम लोग सिर्फ जो भी इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, ठीक है। उनको फाउंड किया गया था सिद्धार्थ गौतम के द्वारा, उनकी बर्थ प्लेस थी लुम्बिनी जो कि है नेपाल में, ठीक है, एंड इसीलिए उस साइड में आपका बुद्धिज़्म का जो स्प्रेड है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने अपना फर्स्ट सेरमन दिया था सारनाथ में, सेरमन मतलब क्या, अगर किसी गुरु को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके बाद में वो जो उसकी टीचिंग्स होती है ना, तो पहला उन्होंने इनफैक्ट ऑफ जो टीचिंग्स के लिए उन्होंने एक सभा रखी गई थी, उनको कहते हैं सेरमन, मतलब पहला लेक्चर इन शॉर्ट, तो वो दिया था उन्होंने सारनाथ में, ठीक है। तो उनका ड्यूरेशन है, एक्चुअली दिस इज द, ये यहाँ पे इंक्लूड मत कीजिए, ठीक है। तो इनको एनलाइटमेंट मिली थी अंदर द बोधी ट्री एट गया इन बिहार, मतलब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधी ट्री के अंदर गया में, ठीक है। दिस इज अबाउट द बुद्धिज्म, ठीक है। तो चलिए बुद्धिज्म की कुछ काउंसिल्स है, मतलब जैसे बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए कुछ काउंसिल्स रखी जाती थी जिसमें सारे लोग जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह थे वो सारे प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस करते थे। तो सबसे पहली काउंसिल हुई थी राजगृह में, ठीक है, उसके बाद में सेकंड काउंसिल हुई थी वैशाली में, उसके बाद में थर्ड काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्रा में, ठीक है, उसके बाद में फोर्थ काउंसिल हुई थी आपकी कश्मीर में, दिस इज योर पाटलिपुत्रा, ठीक है, दिस इज योर पाटलिपुत्रा, दीज आर द ऑल फोर काउंसिल्स, मेजर काउंसिल्स, वैसे तो बहुत सारी काउंसिल्स हुई थी बट दीज आर द ऑल फोर मेजर काउंसिल्स ऑफ बुद्धिज्म, वो कहाँ पे हुई एंड, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लो, ठीक है। उसके बाद में जैनिज्म, दिस इज द ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन, जैनिज्म के फाउंडर है आपके वर्तमान महावीर, देर आर टोटल 24 तीर्थंकराज इन जैनिज्म, आप सबको पता होगा, तो मतलब 24 गुरु है जैनिज्म के, मतलब देर आर टोटल 24 तीर्थंकरा, उनमें से जो ये है वर्तमान महावीर, ही वॉज द लास्ट तीर्थंकरा एंड 24th तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म, ठीक है। उनकी बर्थ प्लेस है आपकी वैशाली, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पढ़ते हैं, देर आर टोटल 24 तीर्थंकराज इन जैनिज्म, सो यू ऑल ऑफ यू नो, आपको सबको पता होगा, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, उनको कैवाल्य अंडर साल्ट्री अटेंड हुआ, मतलब उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, तो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म दे आर टोटल डिफरेंट रिलीजन्स, बट उनको
जो जैनिज्म है, जैनिज्म के जो गुरु है वर्तमान महावीर, उनको कैवल्य जो प्राप्त हुआ वो अंडर साल्ट्री हुआ, ठीक है। उसके बाद में उनका जो जैनिज्म है, जैनिज्म दो चीज़ों में बटा, मतलब जैन धर्म जो है वो दो चीज़ों में, एक है आपका श्वेतांबर्स एंड अनादर वन इज योर दिगंबर्स, दीज आर द टू सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। एंड उनकी डेथ हुई पावापुरी में, ठीक है। तो देखो जैनिज्म के बारे में पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ है, हिंदुज़म के बारे में पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ है, बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ है, एंड अब एंशियंट सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग भी पढ़ना काफ़ी कुछ है। बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू स्टडी द ऑल द थिंग्स, दिस इज़ द राइट टाइम कि आपको मिनिमम चीज़ें पढ़ाई जाए जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एसपीआई के लिए, एंड वही चीज़ें आपको रिवाइज करनी है, एंड उसी में से क्वेश्चन आपको पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ठीक है, चलिए।